मंडलायुक्त सभागार में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 अवस्थापना मद के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों के लिए सर्वसम्मति से मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में 27,32,66,999 रुपये प्रस्तावित किए गए, जिसमें मुख्य रूप से सिद्धार्थ इनक्लेव विस्तार आवासीय योजना के अंतर्गत सड़कों के सौंदर्यीकरण, हॉट मिक्सिंग प्लांट, नालियों के निर्माण कार्य सहित अन्य कार्य संपादित किए जाएंगे। इस संबंध में मंडलायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि हर पार्क में वॉकिंग ट्रैक बनाया जाए, जिससे मोहल्लेवासी अपने नज़दीकी पार्क में स्वास्थ्य लाभ लेते हुए स्वस्थ हो सकें। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, GDA उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मई तक आप लोगों को कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है, GDA नगर निगम, ठीक है, दोनों मिलकर के और PWD का जो सहयोग आपको चाहिए, ठीक है, इसको कंप्लीट करके जो परेशानी आज हम झेल रहे हैं वो अगले साल के लिए कृपया हम लोगों का प्लानिंग अभी से रहे कि इस तरीके के जलभराव से लोगों को परेशान होने का स्थिति रहा है। वहां पे ज्यादा से ज्यादा सड़क टूट जाता है, ठीक है, इसीलिए आप इसको सभी चीज को सीमेंट कॉन्क्रीट का वो करा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द लोड आप उसका डिजाइन सही तरीके से ठीक करा लीजिए। जरूरत पड़ेगा तो आपको PWD से भी डिस्कस करके जो लोड आएगा उसके हिसाब से आप प्लान कीजिए। जहाँ हेवी लोड नहीं है यू कैन गो फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। जहाँ हेवी लोड रहता है कुछ रोड जहाँ से व्हीकल्स ज्यादा मूव करेगा